भाई शक्ति रानी जी जीतेगी इस बार, बीजेपी जीतेगी, हर बार जीती है, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। अम्बाला कहाँ से भारी हो गया, कहाँ से भारी हो गए, हाँ तो हरियाणा के ही ना। चंदन मोहन तीन बार इलेक्शन जीता, क्या करा था उसने? प्रदीप ने क्या करा था? खड्डे पड़े रोडों में। भाजपा ने विकास किया है वो कांग्रेस ने पिछले 65 साल में भी नहीं किया अभी तक। परंपरा हरियाणा की पिछले 20 साल की, जिसके केंद्र में सरकार उसके हरियाणा राज्य में सरकार। भजन लाल ने रामपुर सूढ़ी के मंदिर पे नमक डाल के कसम खाई कि मैं कॉलोनी पक्की करूंगा और मुड़के नहीं देखा भी। हाँ जो है 100% जो है शक्ति रानी एक जो है अमेल्य बन के आएगी हमारे बीच में। जुड़ गया बीजेपी का परिवार पूरा, पक्का जुड़ गया जी, कोई एक आध है वो भी आगे सब। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं, आज मैं हूँ कालका विधानसभा में और आज अनुराग ठाकुर यहाँ शक्ति रानी शर्मा के लिए जनसभा को संबोधित करने आए थे। आप स्टेज पर देख सकते हैं, हालांकि जनसभा हो चुकी है, उसके बावजूद जो जोश है वहाँ पर स्टेज पर खूब सारा जोश है। अब लोगों में कितना जोश है ये हम पब्लिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। आज तो खूब नारे लगा दिए हैं जी जी जी, क्या लगता है क्या होगा भाई? शक्ति रानी जी जीतेगी इस बार, बीजेपी जीतेगी, हर बार जीती है, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। इतना हौसला क्यों है इस बात का भाई? हमें विश्वास है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे और शक्ति रानी जी पे विश्वास है हमें कि हमारा विकास होगा और विकास होता चला आया 10 सालों से। कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार चुनाव हम जीतेंगे यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ से हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, 101% बनेगी। हाँ जी, जो कि भाजपा ने विकास किया है वो कांग्रेस ने पिछले 65 साल में भी नहीं किया अभी तक। यहाँ मैं आपको सही में बताऊं, पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट को तो हुड्डा साहब भूल ही चुके थे, ये तो थोड़ा भजन लाल जी ने देखा था, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने देखा था इसको, बिल्कुल हुड्डा ने तो देखा ही नहीं 10 साल में। हमारे भाई मनोहर लाल खट्टर जी बने, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 10 साल में को देखा है पंचकुला को, तब जाके हमारे यहाँ विकास हुआ है। कांग्रेस कहती है बार बार कि उम्मीदवार बाहरी है, कोई बाहरी नहीं है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पहले पुराना अम्बाला जिला था, पुराना जिला अम्बाला ही था, अम्बाला से कट के ही पंचकुला जिला बना है। तो अम्बाला कहाँ से भारी हो गया, कहाँ से भारी हो गए, हाँ तो हरियाणा के ही ना। तो इनका जुड़ाव है यहाँ पे? बिल्कुल जुड़ाव है, बिल्कुल जुड़ाव है। माहौल क्या जा रहा है साहब, क्या माहौल जा रहा है? कांग्रेस के तो झूठे वादे हैं, चंदन मोहन तीन बार इलेक्शन जीता, क्या करा था उसने? प्रदीप ने क्या करा था? खड्डे पड़े रोडों में, किसी को मुड़कर देखा उसने? कहीं नहीं देखा। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, चंदन मोहन के पिताजी ने, भजन लाल ने रामपुर सूढ़ी के मंदिर पे नमक डाल के कसम खाई कि मैं कॉलोनी पक्की करूंगा और मुड़के नहीं देखा भी। चला इनके झूठे बातें ये क्या करेंगे? प्रदीप कहते हैं सरकार सुनी नहीं रही थी मेरी, क्या करता मैं? तो सरकार नहीं, क्योंकि जो तुम किसका काम का उनका करने का है, विधायक तो वो है, सरकार क्यों नहीं सुनेगी? जब उनकी सरकार नहीं है सुनेगी क्यों? ये तो जनता के ऊपर बात है ना, जनता क्यों देती है? कांग्रेस को समर्थन दे दिया, जब कांग्रेस को समर्थन दे दिया तो प्रदीप को नहीं जीत रहा और फिर उसी का पीछे लगना शुरू हो रहा है, नहीं आएगा। अब क्या आगे दिखा पे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीजेपी वाले ऐसा तो नहीं को लतीका के साथ रुक रहे हैं क्या? सारे एक जगह इकट्ठे हुए कि नहीं हुए बीजेपी? लतीका के पीछे, लतीका के साथ में जो मैंने तल्लुक किया है रामपुर सूरी से, वो रामपुर सूरी के अंदर से 65 साल ये चप्पलें घिस गई, बूढ़े हो गए, लकड़ियों में चले जाएंगे। कांग्रेसियों ने, नर्दलियों ने के झंडा उतारो, ये पकड़ो, ये दल बदल नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी है, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण अगवाणी दो बार पार्लियामेंट में साथ बैठ के खाना खा कर आया हूँ। उन्होंने यही बात कही थी, गंगा जल डाला, उन्होंने कहा
कि एक वादा करो, कमल के फूल का साथ दे करके कभी मुकरोगे तो नहीं। हम वोट जीते मगर हमने अटल बात कर ली। हाजी साहब कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। क्या माहौल है बीजेपी का? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। दावे तो कांग्रेस कर रही है, हमारा बढ़िया है। नहीं नहीं, ऐसा है क्योंकि परंपरा हरियाणा की पिछले 20 साल की, जिसकी केंद्र में सरकार उसकी हरियाणा राज्य में सरकार, ये फैक्ट है। तो इसलिए लोग भी यही सोच रहे हैं कि जब केंद्र में मोदी सरकार आ ही गई है तो हरियाणा में भी तो वही आएगी ना। यानी ये तो एक परंपरा का निर्वहन करना है, तो परंपरा तो यही करी है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भी भाजपा ही है। पिछली बारी तो आप लोगों ने बीजेपी को हरा दिया, तो आपकी बार क्या है? नहीं, वास्तव में हरा नहीं था, वोट तो पिछली बार भी जब लतिका शर्मा जीतती थी उससे 4000 ज्यादा थी, वो स्ट्रेटेजिक हार थी, जनता ने नहीं हराया वो, तो क्योंकि विपक्ष एक तरफा हो गया था। आपकी बार विपक्ष बटा हुआ है, इसलिए जीतेंगे, आराम से जीतेंगे। बढ़िया, आपको क्या लगता है? हम जो है ना तीसरी बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतनी जूता पजहर हुई हुई है जो किसी को समझता है नहीं, हर एक को अपने आप को नेता समझता पड़ा। जैसे कि शैलजा को एक दलित महिला होने के कारण उसको उल्टा सीधा बोला गया, उसकी जाति पर कटाक्ष किया गया, तो ये जो सारा उड्डा परिवार जो एक बिकाऊ परिवार है, पूरे देश की पूरे हरियाणा की जमीन खरीद खरीद कर 20 गांव की जमीन खरीद कर 834 करोड़ रुपया गबन किया, जो सारी दुनिया जानती है। और पहले वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ से जमीन दिलाई रोहतक के आसपास, फिर वहाँ दिल्ली के आसपास दिलाई और राजस्थान में 250 एकड़ जमीन दिलाई, सारा कांग्रेस ने जो मलिया मेट करके देश को गर्त में ले जाने का कार्य किया। लेकिन हम जो है पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस की एक भी नहीं चलने देंगे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे यहाँ के बताओ, यहाँ का रिजल्ट क्या है? यहाँ जो है ना 100% जो है ना शक्ति रानी एक जो है अमूल्य बन के आएगी हमारे बीच में। जुड़ गया बीजेपी का परिवार पूरा? पक्का जुड़ गया जी, कोई एकाध है ना वो भी आगे सब, कोई नहीं जो है ना अलग से अलग, कोई नहीं, नाराजगी नहीं ना, कोई नाराजगी नहीं है ना, बिल्कुल पक्का 100%। बिल्कुल भाई, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, जोश में तो पूरे हैं और कह रहे हैं कि इस बार काल का बीजेपी जीत रही है, मतलब शक्ति रानी शर्मा को ये लोग जिता रहे हैं। खैर, अब वक्त बताएगा 4 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके नतीजे क्या आते हैं। कैमरा से रविंद्र के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।